गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 29th of May 2023। आज यूएस हॉलीडे है ड्यू टू मेमोरियल डे, सो ग्लोबली ज्यादा कुछ एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मेनली फ्लो ड्रिवन हो सकता है, दैट बीइंग द केस अभी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.15। फ्राइडे को एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था, डोजी मीन्स पॉज, नथिंग मोर देन दैट वन, बट इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूशन, लो के नीचे रिवर्सल और पुल बैक, नॉट रिवर्सल बट सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक इज एक्सपेक्टेड। सो हमें देखना है क्या ये मंगलवार को यानी 30th and 31st को इसके हाई के ऊपर कंटिन्यू करता है या लो के नीचे फॉलो थ्रू करता है। डॉलर रुपी 80-85 लेवल्स में, 82.85 लेवल्स में अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था। ऑल्सो आप अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखोगे, ट्रेंड लाइन में भी रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। दैट बीइंग द केस अभी ये थोड़ा सा डॉलर रुपी, देर आर हायर चांसेस कि ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। नीचे की तरफ मूव करने के लिए पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका 82.25 से 82.30 के बीच में, उसको अगर ब्रेक करेगा देन 82.00 से 82.10 के बीच में, एंड फाइनली 81.70 से 81.80 के बीच में थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे एनी अपटिक, अगर कभी आपको 82.75 के आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो शॉर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, कीपिंग 82.95 एज द स्टॉप लॉस फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा वीकनेस देखा गया था पिछले वीक में, फ्राइडे को थोड़ा कंसोलिडेट किया, आज थोड़ा और थोड़ा बाउंस बैक करने का मीन्स रिकवर करने का प्रयास कर रहा है। जैसे फ्राइडे के लो के नीचे जाएगा, फ्राइडे के लो दैट इज 1.2310 उसके नीचे सस्टेन कर जाएगा आवर्ली बेसिस में, तो फर्दर एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे हमें एक अच्छा खासा डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी फ्राइडे को एक स्मॉल बॉडी कैंडल्स बनाया हुआ था, ये स्पेशली हायर एंड पे रिजेक्शन था, डेट बीइंग द केस लो के नीचे अच्छा खासा हम सेल ऑफ कंटिन्यू कर सकते हैं। यूरो डॉलर अभी है 1.0733, यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी बियरिशनेस है, अपटिक में हम सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। डेट बीइंग द केस 1.0770-1.0780 के आसपास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो वी कैन मीन्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं हम लोग, कीपिंग ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज पर द कम्फर्ट। यूरो आइनर में भी आज ड्यूरिंग द मिस मॉर्निंग एशियन मार्केट्स में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपटिक में भी सोल्ड सबसे अच्छा लेवल होगा आपका 82.88.98 से 89.05 के बीच में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड डॉलर येन में अच्छा खासा अप मूव था अबोव 140, दैट बीइंग द केस एनी पुल बैक में भी बॉट फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिकली डाइवर्जेंस देख रहा है बीओजे वर्सेस द फेड के बीच में, क्योंकि फेड इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट हाइक्स और इज BOJ is keeping the ultra low interest rate, so there is a divergence. That being the case, काफी yen के ऊपर काफी pressure आ रहा है, and आपका पिछले 6 महीने के बाद ये 140 के ऊपर चला गया है, so यहाँ पे any pullback may be bought in this instrument. JPY-INR में भी weakness दिख रहा है, ये अभी थोड़ा सा pullback में अगर आपको कभी 59.20-59.50 के बीच में एक level मिलता है तो वहाँ पे एक shorting के लिए आप opportunity ढूंढ सकते हैं। डॉलर कैंडी में कंसोलिडेशन बरकरार है, ऊपर 1.36-1.3650 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन में ही बैठा हुआ है, इसको और थोड़ा कंसोलिडेट होने देते इस रेंज के बीच में। ऑसी डॉलर में आप देखोगे 0.68-0.56550 के बीच में जो रेंज था उसको ब्रेक डाउन किया था, एंड अभी इसको नीचे जाना है तो फ्राइडे के लो के नीचे दैट इज 6490 के नीचे आवरली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर सेल ऑफ। ऐसा ना हो जाए कि ये फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की तरफ ट्रीट हो एंड वापस अंदर आ जाए, वापस अगर अंदर आ जाएगा इन सच ए केस देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि अगेन दोबारा ये 0.68 की तरफ मूव कर सकते हैं। सो अभी हमें देखना है इसको नीचे की तरफ अनदर 1.5 से 2 की अगर डाउन मूव करना है तो फ्राइडे के लो के नीचे आवरली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा। CNA 7.07 वीकनेस बरकरार है, जो फ्राइडे का हाई है थोड़ा सा फ्राइडे में पुल बैक दिखा गया था, इसके हाई के ऊपर अच्छा खासा एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। UKL 77.60 थोड़ा सा यहाँ पे मीन्स बेसिकली ये आप प्राइस एक्शन देखोगे तो हायर है, हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है, दैट बीइंग द केस जब तक ये 75 बरकरार है सपोर्ट, एंड
आपका 78.45 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, एक आप मोबाइल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस कैनेडा ट्रेजरी 3.81 आपका कल फ्राइडे को एक अच्छा खासा मीन्स डोजी कैंडल बनाया हुआ है, स्पिनिंग टॉप भी है, इसका वॉल्यूम अगर मिलता है तो मज़ा आ जाता है एनालिसिस करने के लिए। बट ये पॉज के लो के नीचे पुल बैक, हाई के ऊपर थोड़ा सा कंटिन्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले 14th ऑफ जून का जो आपका FOMC रेट डिसीशन है वहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग अनदर क्वार्टर बेसिस पॉइंट हाइक के लिए, जो पहले ट्यूजडे को 15% एक्सपेक्टेशन था, बरबर के अभी 70-75% एक्सपेक्टेशन हो गया है। सो अगर आपका 15 को रेट हाइक नहीं करता है, एक पॉज दे देता है, सो 14th के बाद एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन यूएस टू ईयर ट्रेजरी का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, ऊपर में आपका 4.61 पे एक रेजिस्टेंस मींस गैप था, इसके ऊपर अगर जाना है तो आपका फ्राइडे के हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा। करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट